We'll be going through the new patch notes of PUBG Mobile 0.8.0 और इसमें क्या-क्या नया है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैप से। एक नया मैप ऐड हो रहा है जिसको सैनहॉक कहते हैं। ये PUBG PC में बहुत टाइम पहले से था एंड PUBG PC खेलने वालों को इस मैप के बारे में पता होगा, बट PUBG मोबाइल में ये अब ऐड करा गया है एंड इसको आपको बिल्कुल सेपरेटली डाउनलोड करना है एंड आप इसको तब तक नहीं खेल पाओगे जब तक आप इसको डाउनलोड नहीं करते सेपरेटली। मैप के संग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें गेम में ऐड होने वाली हैं, जैसे कि एक फ्लेयर गन बहुत ही रेयर गन होगी जो कि हमें मैप में बहुत मुश्किल से मिलेगी। वाह, फ्लेयर गन मिल गई। एक खासियत ये होगी जब भी आप इसको प्ले जोन के अंदर चलाओगे तो आपको एक सुपर एयर ड्रॉप मिलेगा जिसमें कि एक SR और एक AR होगा एंड अगर आप इस गन को प्ले जोन के बाहर चलाओगे तो एक आर्मर्ड व्हीकल मिलेगी। सो द नेक्स्ट थिंग विच इज एडेड इज अ QBZ राइफल जो कि 5.56 राउंड यूज कर रही है एंड आई हैव यूज QBZ, पता नहीं मेरे को इतना पसंद नहीं आया, आपकी प्रेफरेंस अलग हो सकती है। सो द नेक्स्ट थिंग विच दे हैव एडेड इज अ डगविल अटैचमेंट फॉर शॉटगन्स जो कि हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को स्प्रेड करेगा और वर्टिकल जो स्प्रेड होगा उसको कम करेगा। तो द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी अवेटेड चेंज कि हम नाउ ऑटो पिकअप को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम ये कस्टमाइज कर सकते हैं हर गन के हिसाब से कि उसकी कितनी बुलेट्स हमको उठानी है। हम हर नेट का भी क्वांटिटी रख सकते हैं कि हम इस नेट की कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम उठाएं एंड ये बहुत ही वेलकम चेंज है। आई थिंक पबजी मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पबजी PC को भी सीख लेके उसको चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच दे हैव एडेड इज न्यू एंटी चीट मेजर्स जो कि चीट प्लगइन्स को बहुत ही इफेक्टिवली स्कैन करेगा एंड स्पेक्टेटर मोड में हमको एक रिपोर्ट बटन भी मिलेगा जिससे हम अगर हमें किस भी फिशी लगता है जिसको हम स्पेक्टेट कर रहे हैं हम उसको रिपोर्ट कर सकें। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि हम लोग इस अपडेट में देखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द गेम एंड लेट्स सी हाउ द मैप इज। हम लोग जो है बूट कैंप कूदे हैं जो कि पोचिंकी है इस मैप का एंड ये वाली जगह बूट कैंप एंड वो जगह पैराडाइज रिजॉर्ट दोनों ही बहुत अच्छी लूट वाली जगह हैं एंड यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द प्लेयर्स उतरते हैं जैसे पोचिंकी स्कूल और रोज हॉक हैं इरेंगल के। मेरे को साउंड आ रही है मेरे पीछे किसी की, पीछे कोई है यहाँ इस घर में, पता नहीं बस। ठीक है, इस वाले में गोली मारते हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्या भाई ज्यादा ही हीरो गिरी कर रहा है क्या? मुझे इनके ऊपर बड़ा तरस आता है जो ज्यादा हीरो बनता है। कैसे खेल रहे हो यार अंधाड़ो क्या? इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ का इशू है, सर्कल बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं थोड़ा सा, इसलिए गेम थोड़ा फास्ट पेस रहता है एंड मैप भी थोड़ा सा छोटा है तो हमें लड़ाई इसमें हमें फाइट ज़्यादा मिलती है। बूट कैंप आई थिंक क्लियर कर दिया है मैंने और ये नई गन है, चलो नई गन से खेल के देखते हैं। इस गन में QBZ से खेल के देखते हैं। एक और बहुत चेंज ये लगेगा कि ये बहुत ही जंगल टाइप का मैप है, घास हैं वो काफी ऊंची हैं, सो आई थिंक प्रोन बंदा जो होगा उसको काफी ज्यादा कवर मिलेगा। जिनको सांप बन के खेलना पसंद है इस गेम में उनको ये मैप काफी पसंद आने वाला है। एंड डर मुझे बस इसी बात का है कि मेरे पास गेम में कोई भी मेरा टीममेट नहीं है, सो अगर यहाँ पर कोई भी प्रोन होगा तो कि सीरियसली बहुत ही इजीली प्रोन हो सकता है कोई भी, तो मैं बहुत इजी खेलूँगा उसको। इसलिए PC पबजी में मुझे ये मैप इसीलिए पसंद नहीं आता था बिकॉज इसमें बहुत फास्ट खेलना पड़ता था। Thank you.
थोड़ा सा गेम समझना चाहिए कि इतने दूर से टॉयलेट में घास नहीं दिखाई देती है। कोशिश बहुत करी, शायद ये गेम थोड़ा सा ज़्यादा कठिन था। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। चिकन डिनर होना चाहिए था यार। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर पबजी बडीज इफ यू फाइंड इट हेल्पिंग, एंड अपने अंदर के गेमर को कभी सोने ना देना।